अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ज़ारेब का व्लॉग मतलब कि आज है बारात का व्लॉग। और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, 1:45 बज रहे हैं और मेरी आंख ढर के 1:30 बजे खुली है क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोया हुआ था 2-2.5 रातों का। और जरनाब आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 70% रेडी हो गई है। 3 बजे का हमारा शूट का कॉल टाइम है और अभी पहुँच रहा हूँ मैं लियास। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2-3 चीज़ें हैं, बल्कि 4-5 बल्कि 6-7 बल्कि 8-10 चीज़ें हैं जो चीज़ें होनी है, मैं कैसे करूं। तो मैं अब दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूं, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो यार बस अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है ना वो ये कि मेरे आज बाल नहीं बने होंगे, मैंने कुल्ला पहनना होगा यार। मतलब कुल्ला पहनना है मैंने यार, कुल्ला हमेशा की तरह। ये नबील भाई मुझे रेडी करते हुए, बहुत टेंशन में मैं क्योंकि मेरे साथ ना मगजमारियाँ बहुत चल रही हैं। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा परेशान पूरा नबील ने मुझे ही देखा होगा। और इलियास भाई भी ना फ्लोर बार बार घूमे जा रहे हैं कि इसको टेंशन नहीं हो कोई। जरनाब बिल्कुल रेडी, 100% मेरे जूते ही नहीं आए। सबसे मजे के बाद नाजिब भाई ने जूते इतने लेट भेजे मुझे, अभी तक वो आया ही नहीं है। और वाजिद भाई गाड़ी लेके पता नहीं कब से आ रहे हैं, वो भी नहीं पहुँचे। और हाँ, और डे लाइट जो है वो शूट हमें करना है, तो आदिल जो है जरनाब को लेकर निकल रहे हैं वहाँ पर। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। समद भाई ने बोला दूल्हा तुझे हम खुद बनाएंगे भाई, टेंशन नहीं ले, कुल्ला वहाँ पहनना है अभी शूट के लिए, बाल बना लो। मैं ना मुझे कुल्ला ना पहनाओ, ऐसे बालों में ही मैं चिकन आऊंगा यार। आदिल जो है वो सरनाब को लेकर निकल गया, मैं रेडी हो गया हूँ जूते बगैर। घर की चप्पलें सारी, मेरी स्लीपर जो है कहीं सैलून में, कभी कहाँ है कभी कहाँ है। आखिरी स्लीपर्स का पेयर बचा था वो मेरे रूम का था, मैं लेकर आ गया। अब बाकी दोस्तों को लगा दिया कि काम वाम करो, फटाफट से करो। गुल निकल गई हैं, देखना कैसी लग रही होंगी। इंशाल्लाह माशाल्लाह VIP बेहतरीन लग रही होंगी। आपका भाई कुल्ला पहनेगा, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे ही सही है यार, क्यों कुल्ला पहनना है। आज शादी में है आलू वाली बिरयानी, आपके भाई ने पहन ली है वाइट एंड गोल्ड शेरवानी। हाजिर हो ठंडी चशों के साथ लाली हाजिर है। मुझे 4 साल हो गए इनके साथ, ठीक है। और इन्होंने मुझे ना कभी भी इतना पैम्पर नहीं करा, ख्याल रखते हैं मगर ना सर पे नहीं खड़े रहते। आज जो है ना ये सुबह से, ये है हमारे द ग्रेट इलियास भाई द लेजेंड, और सुबह से खड़े हैं कि भाई ये जो है ना टेंशन नहीं ले रहे और सारे काम इसके हो जाए। सगी माँ वाला सलूक किया है। गिफ्ट भी बता दें कितना, गिफ्ट वलीमे के लिए वेट करें इंशाल्लाह ताला। जो इलियास भाई ने गिफ्ट लिया है ना वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वर्ल्ड दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें टॉप नॉच होती है। 257 पे मेरे जूते आए और नाजिब भाई ने जो है ना वो मारा थोड़ा सा भंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो फाइनली आपकी बहन रेडी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं शूट के लिए। हम बहुत 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 लेट हो गए हैं और सारी टोपी हमने डाली है ट्रैफिक के ऊपर, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था। हम निकले ही वहां से लेट और सब कुछ हुआ आदिल की वजह से। आदिल अपना यहां से मुंह निकालो, वहां से क्या मतलब है, इसकी वजह से हुआ है सब गाइस। ये वजह से कैसे हुआ भाई, बस तुम्हारी वजह से हुआ है सब। लारिब को मैं यही बोलूंगी, बस सही है मैं आपके साथ भाई। मैंने भी उसको यही कहा, मैंने कहा 2 मिनट में पहुंचे, बहुत लंबी ट्रैफिक। हर झूठ में मेरा साथ दे रहा है, ये जो झूठ बोल रही हूँ ये साथ जाएंगे हम, जा जाएंगे। ये चेक करो ना आप, टीम ब्राइड। अरे अरे भाई गुड यार, आई लाइक इट। अब मैं सारी स्ट्रेस नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ सारे काम जो होने होंगे ना वो हो जाएंगे बाद में भी। बस अभी चल रहे हैं हम शूट के लिए। सुनील भाई गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने बोला आप बैठो, आप दूल्हे भाई हो, आप टेंशन क्यों के बैठो। बहुत मिक्स फीलिंग है, टेंशन भी है, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा खुशी है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है इंसान की लाइफ का, जो बोलते हैं ना टेबल टर्न्स होते हैं। तो अल्लाह इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव टर्न होंगे, सब अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन इवेंट होगा। उसके अलावा अल्लाह ताला बस हम दोनों का नसीब अच्छा करें और सब खैर से करें। मैं इतनी तफरियाँ मस्तियाँ करता था, मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं दूल्हा बन रहा हूँ यार, मतलब वॉट इज़। खैर चलते हैं, फीलिंग्स बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ, समझ से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। भाई जरनाब भी आ गई है, जरनाब भी आ गई है, आदिल पीछे बैठा हुआ है, ये हमसे छुप रहे हैं, हम इनसे छुप रहे हैं, हमें देखना ही नहीं दिख रहे को अभी। और जरनाब ने जैसे देखा मैं देख रहा हूँ, उसने फौरन अपने मुँह पर हाथ रख लिया। और अंदर पता नहीं कौन कौन आया, अंदर 500 शादियाँ हो रही हैं। अच्छा मुझे, मैंने जरनाब को देखा नहीं, सिर्फ मुझे इसका ड्रेस देखा है, डिजाइन देख रही है, पर अभी पता नहीं क्यों तमी को बैठ के लूडो वूडो चल रहा है, शायद संगीत वंगीत होने वाला है। ये टीम ब्राइड का बनकर है, इसके तो जूते मारेंगे हम लोग, पर टीम ग्रूम वाले ये रहे, हाँ छोड़ेंगे नहीं साला हम किसी। आज अगर मैं गलती से टाइम पर आ ही गया हूँ तो समझ भाई नहीं आए, समझ रहे हो ये हो रहा है मेरे साथ। सलाम अलैकुम, हेलो हेलो हेलो, ये रहा हेलो, ये रहा हेलो। यार जरनाब हम रिंगा रिंगा रोज़ खेलने क्या, हेलो अस्सलामुअलैकुम हाउ आर यू व्हाट्स अप। दुनिया की वाहिद दुल्हन जो बहुत तकलीफ़ में है मगर माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। और स्नीकर्स दिखाना ज़रा कितने कस्टमाइज़ हैं भाई, आ हाय 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 हाय,
यू आर लुकिंग वेरी प्यारी राज दुलारी, बस मेरी बेगम तक 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 तकलीफ में है बहुत ज्यादा। बिल्कुल आयबा जूते पहना रही है। जरनाब का ड्रेस आज भी अनकंफर्टेबल इसीलिए है क्योंकि जरनाब ने जो मेहंदी में ड्रेस पहना था उसका वजन इतना था, तो जरनाब के पूरे ये लाल निशान जैसे चोट के होते हैं ना वैसे हो गए। आज इसके ऊपर फिर हैवी वेट है तो वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बस समझ लें खून निकल जाएगा कंधों से। तो बेचारी बहुत इस चीज़ के स्ट्रेस में और बहुत तकलीफ में। खैर अब तो दिन शुरू हुआ है, पूरी रात है, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे जरनाब को। भाई बहुत सारी टेंशन हो गई थी, बहुत सारी टेंशन। उसमें ये था कि पहला तो मेरा मेकअप खराब हो गया, मगर उससे बड़ी टेंशन ये थी जोक्स अपार्ट, जनाब का ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल था और हम लोगों ने जो है ना उसकी सेटिंग्स की थी वो सारी हमने हटा दी हैं। महिला बाढ़ में जाए शूट भी हम नहीं करा रहे थे, महिला बस दफ़ा मारो बाद में करा लेंगे जान से बढ़ के थोड़ी है। मगर अभी सारी चीज़ें सही करी हैं अब्दुल समद भाई ने और हम सब ने मिलके, तो वापस कमेंट्स कर रहे हैं। अंधेरा तो हो गया पर स्टिल शूट इंशाल्लाह अच्छा निकल जाएगा, मगर जान से बढ़ के नहीं है तो मैं नाम बातों से शूट करा लेंगे, शूट होते रहेंगे बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा भाई ये बुलरियाँ जल्दी हैं, इसका मतलब ये है कि अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है शायद आना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अंधेरा आ रहा है और शूट कमेंट हो रहा है। शॉल पहनना ज़िंदगी में आई नहीं है, बस दो पट्टी बांध के हम लोग घुमा लेते हैं। आज टेंशन तो शॉल कैसे पहने, डिज़ाइनर को बुलवा लिया मैंने, बोला जल्दी आओ पहनाओ मुझे, खुल्ला नहीं पहनना मैंने, मैं सोच रहा हूँ खुल्ले के ऊपर सब कलर वगैरह फेंक दो और सॉरी बोल दूँ। सब फुलझड़ियाँ जल रही हैं और ये आदमी खुद जला रहा है अपने हाथों से, और समझ भाई इतना डरता है ना फुलझड़ियों से। मैंने भजन आपको खड़ा होना है अपनी जगह, मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। आग लग गई है और भाई जल गए। अब जो है ना बेगम को उठाना है, समद भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, समद भाई का व्लॉगिंग चैनल आने वाला है। हाँ बिल्कुल शादी करके हम सब मेहमानों से अपनी जान छुड़ाएंगे, मगर बारात के टाइम अपनी बेगम को उठाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गालिब साइड करो, अबे समझ पड़ गया। बोलना मुझे नहीं आता ऐसी जगह, ब्राइडल में ब्राइडल में बैठा नीचे देखिए, नीचे देखिए, ऐसे सब नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, कुल मिलेगी। कौन निकल रही है, टोमेटो की कौन निकल रही है, प्रॉपर व्लॉगिंग है, प्रॉपर भाई ऐसे छोड़ेंगे नहीं। चल भाई साइलेंट व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें बहुत सारा वॉइस ओवर डालना पड़ेगा। दोस्त को प्यार से कहते हैं जानी, मेहमानों को पिलाओ ठंडा पानी। ये कहाँ से आते हैं यार, मुझे लगी प्यास मैंने पानी पिया, कितनी व्लॉगिंग करोगे अब्दुल भैया। टीम ब्राइट जो है ना ये आई हुई है और जरनाब का ड्रेस बंद करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि हमने छः बंदे यहाँ घुसा दिए। शूट फाइनली रैप अप हो गया है, दुल्हन साहिबा ये रही माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना खत्म, ये हमसे अगेंस्ट आदमी है, जाने ही नहीं दे रहा हमें यहाँ से, जो है ना वो जाना है वेन्यू पे कंट्री और सीधा शूट करना है, तैयार होना है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं टर्बन पहनूँ या नहीं भाई। गाड़ी चलो चलो गाइस चलो, कोई मसला नहीं, होता है होता है होता है होता है होता है, चलता है दुनिया है। वो सेटअप देखें, सेटअप कैसा हुआ, टेंशन बहुत और माशाल्लाह 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 अभी तक आई थी भाई। ऐसा लग रहा है कि शादी सिर्फ जरनाब की है, इज्जत ही नहीं अपनी, बस ये किराए की लाइट है और मैं आ रहा हूँ। मेरी एक अदर दोस्त आ गई है जिसने निकाह में मेरे साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया था और वो मेहंदी में भी नहीं आई थी अभी, मगर वो आज शादी में आ गई और सबसे पहले आई है। कौन कौन भाई आए हुए, कहाँ 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 मेरी दोस्त, कहाँ 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 कहाँ। जो भी कोई दोस्त आता है बोलता है लाली कैसा, कैसी हो रुमैसा, हाय
चलो आ जाओ। कैसे हो तुम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हो? तुम दुल्हे हो? मैं आपको लेने आया हूँ। लारिफ की दुल्हन आ रही है फुल प्रोटोकॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हम आ गए शूट कराना था ना। इतना प्यार मोमिन और लारिफ है। ये जो इंसान है ना, ये इंसान ये हर टाइम लेट आता है, हर बारी लेट आता है। सॉरी आया हूँ, सारे काम करके आया हूँ। ये जो है ना तैयार हुए बगैर आ गया है, बोला मैंने स्विमिंग करनी है, जिद कर रहे हैं यहाँ पे जाने की। अभी नहीं करना ये यार, मैं नहा लूंगा, मुझे कोई नहीं मसला, मैं इधर भी नहा लूंगा, सारे काम भी नहा लूंगा। चेकिंग करा दो क्या हाल है? ठीक है, तैयार होकर आओ जल्दी, जॉगिंग ट्रैक नहीं है अभी, जल्दी जाओ। तुम्हारा साथ है यहाँ पे, रश बहुत ज्यादा, मैं सोचा थोड़ा मैं आराम से आऊंगा। भाई तुम सोते रह गए थे, आप भी सो रहे थे। नहीं हमने तो 5 मिनट, हमारी हर चीज तैयार है। नहीं मेहंदी की बात कर रही थी ना, मैं दुबई से स्पेशल आया हूं। थैंक यू भाईजान। चले भाई अलाओ, उमर भाई ने अलाओ कर दिया, कुल्ला पहन लो। बता भी देना कि भाई इतना गुस्सा हो रही है? नहीं मुझे मेरे भांजे की फिक्र हो रही है कि वो किसी से खफा है। आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ये मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या बात है, इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो लाली जो है ना दाद उधर हो रहा है। ठीक है उधर भाई अभी हम लोग पहुंच गए, हमारी एंट्री है, मैं आ गया हूँ वापस गाड़ी में बैठने के लिए, बाबलो लेने के लिए आ गया, मुझे बाबलो एंट्री करवा रहा है, सारे अपने दोस्त यार सब आ गए और बस बम बारी होगी और हम एंटर करेंगे। भाई इंतहा का सीन लग रहा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रहा है माशाल्लाह से, हल्के ही नहीं आ रहा लौंडा भाई, सीन ऐसा है। आप बताओ जैसी आपको लारे बात कैसा लगे, लारे का ब्लॉग है ये, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा देखा कभी भाई? एक देखूंगा अगली बार जब मैं बनूंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। अली भाई आपका क्या कहना है, कैसे लग रहे हैं आपको लाली भाई? लाली भाई कैसे लग रहे हैं? कमाल लग रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भाई दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हे की मम्मा को चेक करे माशाल्लाह से, हसीन हसीन माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मम्मा, बहुत कैसी है? ठीक है। ये है हुसैन लाली से बात करते हुए, समझाते हुए लाली को, है ना एक्सपीरियंस बंदा, इसकी 3-4 हुई हैं। ये चेक करो यार, मतलब क्या ही बात है। ओ भाई आ जाओ बस, सब एक एक करके सारे नाम चलाएंगे, सारे जलाओ भाई, सारे जलाओ। Woo!
रही है दुल्हन, बहुत स्पीड में आ रहे हो, रुक जाओ। खुली जगह में डांस होगा, चलो आपका दूल्हे का ही व्लॉग है, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे भाई की शादी है, इससे अच्छी खुशी हो ही नहीं सकती। अरे इतना बड़ा बड़ा मेंशन आते हैं इंस्टा पे हर जगह पे, किसको नहीं पता। अरे वाह, अरे वाह, फूल फूल लाल, फूल लाल लाले लाले। आज मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया फाइनली। मेरा बच्चा बड़ा। अच्छा अच्छा, ओ ओ मम्मा की बेस्ट फ्रेंड इतने सालों का साथ है ना, इसीलिए सारे अपने वाले इमोशनल हुए। मगर मेरे को कुल्ला सही लग रहा है, सच्ची सच्ची पक्की बात है। लायबा का दोस्त गया 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 मर गया। अ तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही? पता नहीं यार, काफी टाइम से साथ है ना, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, कुछ अच्छा लग रहा है बहुत। मैं भी रोने जैसा हुआ हुआ हूँ क्योंकि बड़ा इमोशनल मोमेंट है, बहुत हैप्पी मोमेंट है, खुशी का आंसू सबके। सरप्राइज, मैं नाराज हुआ था आज। हेलो दुआ, लारीफ का व्लॉग यहाँ है, लारीफ का। चलो भाई आओ, बैठ जाओ ना तुम भाई। अरे मैं क्या करूँगा, तुम लोग मैं बैठ चुका एक दफा, अब तुम जा रहे हो दोबारा बैठ जाओ तो अलग बात है। प्यारो रसमलाई खाई थी रात को 1 बजे, देखकर गया था थके
हमारी शादी पे आ गए अली भाई की उम्र हो गई चचा हो गए नहीं 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 इस बात पे मेरी हंसी निकल गई जानू $20 पेंशन बिल से बना दे आज मैं दुल्हन की तरफ से हूँ, मेहंदी में दोनों की तरफ से, या वली में मैं दोनों की तरफ से होंगी, क्योंकि अब दुल्हन आपकी हो जाएगी तो मैं दोनों की तरफ से होंगी। तो आज ये और आपको मिलेगा आपको ये। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जिंदगी भर इन्वेंटरी आई, अभी भी नहीं आएगा। पोर्ट्रेट 2 1 गो। ये सबसे साइलेंट आदमी है, बारात भी आ रही है ना, सब यूँ आ रहे हैं, यूँ आ रहे हैं। तफसील से बताता हूँ, वीडियो बना लो उससे, इससे शॉर्ट वीडियो बना लो, पोर्ट्रेट वीडियो बना दो। अभी तो डिग्री कंप्लीट होगी, इसके बाद प्रमोशन नहीं डालना, ब्लर कर देना। गाइस वॉच आप सब्सक्राइब कर लो, सब कर लो। टंटन की शादी अगले महीने है, बस यही बताना था, यही बताना था। नहीं और ये देखें जी, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारेब की आज रुखसती है और मैं इतना खुश हूँ, फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का ये दोनों भी इंतजार कर रहे थे और हम सब भी इंतजार कर रहे थे। तो बहुत खुशी होती है इन दोनों को साथ देखकर, क्योंकि जो इन दोनों की दिल की एक मोहब्बत है ना, वो मतलब केमिस्ट्री है, मुझे देख के वाकई मैंने एक इंस्पिरेशन भी कह लो, रोना भी आता है। दोनों ने करके दिखाया शादी, सबसे बड़ी बात ये। तो हर मोहब्बत की शादी है ना, झूठी नहीं होती, हो जाती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि खुश रहो हमेशा, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी विशेस, ब्लेसिंग, आई लव यू, और हमेशा खुश। कैसी हो भाई? खाना खाया? नहीं। क्यों? तुम्हारी शादी में हम पहले खाना खा सकते हैं। चुचू हेलो तो कर दो। चुचू आपको अप्पा करने आया। अरे भाई, ये रहा हमारा मिस्टर प्यारा सेक्सी बंदा, वेयर इज द भाभी, छोटी भाभी। मेहमानों को पूछ रहे थे यार। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। हाय हाय छोटू, फाइनली तस्वीर ले सकते हैं प्लीज। यस दूसरी छोटू, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
आज तो दुल्हा इतने प्यारे लग रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा प्यारा नहीं लगा। बहुत कम लोगों को ये अच्छा लगा। ये स्टार्ट में बहुत भाई आप मुझे रोने के कितने पैसे देंगे? रोने के मैं पैसे रोने वाले ये साइड है 800 वो दे रहे हैं, अगर 1000 देंगे तो मैं मैंने 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 हमारे वालों के लिए खसूसी चीज रखी हुई है। नहीं मैंने हमारे वालों के लिए पैसों के अलावा खसूस चीज रखी हुई है इन्वेंटरी। शुरू से वही तो मिली, वो तो मिलनी नहीं है हमारी है। और ये लोगों के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे भाई, इसके शूट खत्म नहीं हो रहे। देखो अगर, अगर 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 हम उस इवेंट में मौजूद ना हो ना तो फिर बात आदिल भाई, सारे इवेंट में हम इसके मौजूद होते हैं। झूठ बोल रही है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरा 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 पंखड़ गिर गया। ओके 1 2 3 शूट। ये भी गया, वालेकुम। शादी आज रुखसती हो रही है जी दोनों की, मतलब जारिब की, तो आप ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगी उन दोनों को? मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा ऐसे खुश रहें और कभी इनको कोई नज़र ना लगे किसी की भी बुरी। आमीन। और बस यही कि इनको देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आई सी अस इन देम एंड इट्स जस्ट देयर रिलेशनशिप इज सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दे। जो आप लोगों ने करी वो मेरी तरफ से क्या बात, मेरी तरफ से तो इतनी दुआएं हैं इसके लिए, मक्का मदीना में बैठ के मैं खुसूसी दुआएं की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए मोहब्बत दिल से नहीं रूह से निकलती है, खुदा कसम। मैंने इतनी चीज़ें छोड़ी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा काम क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं कहा भाई भाड़ में गई पी आर और वो सब शूट, मैंने कहा ला रेप की शादी। इतनी दुआएं, इतनी दुआएं, अल्लाह इनको हसद वाली नजरों से महफूज रखे। आमीन। और हजारों खुशियां दे, कभी भी बहन की आंखों में, जरना भाभी की आंखों में कभी भी गम के आंसू ना आए, हमेशा खुशी के आंसू आए और शुक्राने के सजदे करेंगे वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जितना अच्छा आपको हस्बैंड मिले ना, कसम से यूं यूं कर लो, दुनिया को नहीं मिलेगा ऐसा। बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारेब की शादी क्या कहेंगे दोनों के लिए? यही कहेंगे कि बहुत सारी हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं उनको, और वो काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं हमारे, देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार चलो यू नो, बहुत सारे आजकल अलग हो जाते हैं लोग, लेकिन ये लोग एक साथ ही, और अल्लाह ताला करे हमेशा ये लोग एक साथ रहें। आमीन। और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहे, बहुत प्यारी जोड़ी है। निकाह माशाल्लाह पहले हो गया था, रुखसती है, तो माशाल्लाह साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करें और खुश रहें। आमीन। थैंक यू जी। बट साहब स्ट्रेट फ्रॉम दुबई, दुबई से होके आए ये, और ये डायरेक्ट शादी पे ही आए। दुबई से होके नहीं आया, मैं छोड़ के आया, टूर छोड़ के आया हूँ लड़े की शादी। अच्छा, ये वही वाला टूर है जो गिफ्ट मिला था? हाँ शादी होगी दोनों। मैंने अपने ब्लॉग में कुछ चीजें की हैं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, अल्लाह पाक ने बहुत बहुत खुश रखे। और मैंने स्पेशली एक बात की है जो मुझे चाहिए कि सबको पता होना चाहिए, अपनी लड़ाई अपने अंदर ही खत्म करनी चाहिए। इवन के लड़के की मदर और लड़की की मदर को भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बाकी ने खुश रखे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आ गए आप? पहुँच गए आप जी? मैं पहुँच गया। शादी हो रही है माशाल्लाह, दोनों की क्या कहना चाहेंगे? भाई अल्लाह इनके नेक नसीब करे, जो सबसे बड़ी बात है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं साथ, और बस अल्लाह इनके इसी रिश्ते में बरकत डाले। आमीन आमीन। थैंक यू। लाली का ही है फिर सही है ना, फिर एंगल भी सही था। हमें चार तक नहीं करेंगे। 1 2 3 4 जन्म 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 वापिस कर लो, एक बार ऐसे ही कर लो, बस रैंडम दे दो। 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। आ जाए हाँ, पकड़े गए दोनों, पकड़े गए। अच्छा मुझे ये बता दें कि माशाल्लाह से दोनों की आज बारात है, रुखसती है, दोनों की रुखसती है, रुखसती बहन की ना, हाँ, तो की ना, तो क्या कुछ कहना चाहें दोनों के लिए? मैं तो बस
अच्छा जी शुभकामनाएं। और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अल्लाह दोनों को लंबी जिंदगी दे, खुशी वाली जिंदगी दे, जितना साथ साथ रह सके, अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी, जितना क्या अच्छा, हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लग रहा भाई का व्लॉग एंड हो रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा तो यार ऐसे तो यूं होना है ना फिर। अच्छा जब बनेगी रील तो 1 2 3 4 दफा बोला फिर गाना नहीं। तो ये क्या रीत आपने अकीदत से क्या पकड़ा हुआ है? ये दरअसल दुल्हन का टिश्यू है। अच्छा भाभी का टिश्यू पकड़ा हुआ है, इसलिए फेंका है कि अब ये नेक्स्ट दूल्हा है। अच्छा ओहो इसलिए पकड़ लिया तुमने कि मेरी बारी आ जाए। हाँ हाँ बहुत बहुत सारा प्यार, हम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, इनको हमेशा खुश रखें, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाते रहे। आमीन आमीन आमीन। आपने बस आमीन बोलना था। आमीन अच्छा 3 दफा 4 दफा ठीक है, लेकिन बस यार मेरा भाई बहुत और हमारी दोस्ती ऐसे सलामत रहे। आमीन। एक मोबाइल से भी खींचूंगा एक। वॉइस ओवर डाल लेना ठीक है ना, आपकी ड्यूटी लग गई आपसे। ओहो ड्यूटी इज ऑन। बोली बातों से डांट रही है, वो कह रही है मैं शौक से कर रही हूँ। हाँ ये हमारा लाडला। अच्छा जी पहले ज़हन वाले फोन ये सब इस कैमरे में देखना भाई। अरे वो वीडियो यार उतार दो, कोई जुगत ही ना मार दो। सामने ये इसने 3 साल हमारी बनाई है। इतनी इज्जत मिल रही है पहली बार वगैरह सेंटर में खड़ा। ये तो लाली रो रहा है। अरे वो गाना जनाब के लिए लगा हुआ है लाली। जनाब अब आपने उनको कंसोल करना है तो प्लीज ड्यूटी पे आ जाए। ये इसलिए रो रहे हैं कि मुझे लेके जाया गया तो बाकी आ गई पक्की पक्की। अब क्या करूं मतलब यार लाली अभी इसका प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गया इसलिए रो रहा है। अच्छा ये आंसू है किस लिए? खुशी के। ऑब्वियसली पिक्चर तो ले लो माशाल्लाह। चलो 2 1 स्टार्ट। यू डिड इट ब्रो। माशाल्लाह खुश रहो हमेशा। हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमें जो है ना वो एक रील बनानी है और इस रील के लिए आदिल ने बोला सबका होना जरूरी है, इसलिए मैं सबको पकड़ने जा रहा हूँ। वो रही सैर भाभी समी, ये रे दोनों। मतलब कुछ भी नहीं बना, हमारे पास सिर्फ एक रील का आइडिया था, वो बना मेमोरी वो बनाना है हमने। बैटरी लो गई थी अपनी रील के लिए। कैसी हो चीकू? कैंपेन आई है बेटा, कैंपेन आई है, बजट लो है करनी है ठीक है। तुम्हें देख के मुझे कैंपेन ही याद आती है ठीक है। इंग्लिश में मिरर ते उर्दू में शीशा, फाइनली मेरी शादी में आ गई अरीशा। इधर ओए ओए किधर हाँ मुझे रील तो दिखाओ। ऐसे भागना है आमना, ऐसे भागना है रबीका, एमन ऐसे भागना है, सही है चलो आ जाओ भागते हैं, हुसैन ऐसे भागना है, सबको देखो भागना है, बस ऐसे भागना है, सारे बॉयज भागना है भागना है भागना है। ये मेरा दोस्त हुनैन है, इसके लंबे बाल थे, ये बहुत प्यारा लग रहा था, मैं दोस्ती इससे खत्म कर दी, इसके बाल छोटे हो गए। सहर भाभी आपकी दुआएं चाहिए क्योंकि अब आप बुजुर्ग हो गई हैं। जो ये बंदा चमक रहा है ना, पहला बंदा होगा जो काले में चमक रहा है धमक रहा है, और ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट हूँ पूरा भाई ने मेरा ब्लॉग बनाया यार। ये बंदे को पप्पी तो झप्पी
और पता है ब्लॉग क्यों बनाया है? बोलता है एक और केक कल मुझे भेज देना। एक एक क्या? एक और केक मुझे कल भेज देना। ये हमारी एक रील बनने लगी है खतरनाक, ग्रैंड रील, ग्रैंड रील। मगर भाभी इसका सीन ये है कि मैं और जरनाब भाग रहे हैं, आप हमारे पीछे भाग रहे हैं। अब वो आदिल दिखा रहा है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, मुझे डांट पड़ेगी। अरे तू चुप कर, कैंपेन नहीं आई अभी यार। एक मजे की चीज रहेगा ये सब, ये इवेंट के एंड में हो रहा है कि अभी एक सेलिब्रेशन बाकी है, वो मैंने बनाई हुई थी, वो हो नहीं पाई टाइम पे, इसलिए अब हो रही है। इफ यू आर गोइंग देन यू विल मिस इट। कोई आंटी कहीं जुमेरात की नियाज बांट रही है, मैं डर रहा था कि मेरी बीवी मुझे डांट रही है। Yeah, I'm not.